खबर आ रही है भोपाल से, जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दिया बयान, सुरक्षा के मामले में भाजपा सरकार फेल। लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद राजधानी भोपाल में जिस तरह घटनाएं बढ़ रही, अपराध बढ़ रहे, भाजपा सरकार फेल हो चुकी है सुरक्षा के मामले में। जैसे लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में पूरी कोरोना महामारी में पूरी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सब बिल्कुल चमरा गई। 23 तारीख को शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री शिवराज जी और 24 को लॉकडाउन लग जाता है। ये पहले 25 को लेने वाले थे लेकिन लॉकडाउन के 24 को लग रहा था, इसलिए प्रीफोन करके ले 23 को, और जिसको कहते हैं कि सब चीज़ों को देख नहीं पाए। और जब तक लॉकडाउन रहा तब तो छुटपुट वारदातें होती थी, लेकिन जैसे अनलॉक हुआ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और विक्षिप्त महिला के साथ भी दुष्कर्म हुआ है, और सरेआम जो कहना चाहिए डकैती या चोरी लगातार हो रही है, और प्रशासन फेल है उसमें। और केवल भारतीय जनता पार्टी केवल एक चीज़ में माहिर है, किसी भी निगेटिव चीज़ की पॉजिटिव पब्लिसिटी कैसे करना और अपनी पीठ कैसे थपथपाना, केवल उसमें लगे हैं। लेकिन आज व्यवस्था पूरी से चमराई है। शराब की दुकानें जो खुली है, ये सरकार तो चला नहीं पा रहे, लेकिन अब शराब की दुकान चलाने की नई पहल की है और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, लगातार भीड़ वहाँ पे बढ़ रही है, जो फोटो आ रहे हैं। ऐसे बहुत से मामले आए हैं, छतरपुर का भी आया था कि एक रेप कांड का कंप्लेंट करने गए, 3 दिन तक कंप्लेंट उसकी FIR नहीं लिखी गई। यहाँ पे हुआ एक शाहजहाँपुर में एक पेशेंट, बूढ़े पेशेंट को बांध दिया, पैसे नहीं थे उसके पास। भोपाल में एक घटना है जिसका मैं कल खुलासा करूँगा कि मंगल सूत्र बेचकर उसको अपने पति की एक महिला को उसके इलाज कराना पड़ा है और पेट भरना पड़ा है। तो ये सब चीज़ें बहुत हो रही है और सरकार कहीं से भी केवल पीठ थपथपा रही है और केवल जोर जोर से बोल के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज़ वेल, जो कि कोई भी चीज़ ठीक नहीं है।